Hello guys, today we will discuss about true stress and the relationship between true stress and engineering stress. अब यहाँ देखते हैं इस डायग्राम में, ये एक बार है. अब इसका इनिशियल एरिया ए नॉट है और इनिशियल लेंथ एल नॉट है. जब इस पे एफ फोर्स, टेंसाइल फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहा होता है तो इसका लेंथ इंक्रीज होकर एल हो जाता है और एरिया डिक्रीज होकर ए हो जाता है. अब यदि इस बार पे एफ फर्दर फोर्स लग रहा होता है तब मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा. पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ये समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो सिंपल स्ट्रेस होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. तो अब इस बार पे जब मैं फर्दर एफ फोर्स लग रहा होता है तो मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया. बट जो एरिया जो होगा वो इनिशियल एरिया होगा, मतलब ये एरिया होगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया इनिशियल एरिया. तो इसका फॉर्मूला, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया जो है ये इनिशियल एरिया है, ठीक है. और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया एट द इंस्टेंट, मतलब ये फोर्स और पर यूनिट एरिया ए, ये वाला. तो फोर्स पर यूनिट एरिया एट द इंस्टेंट हो गया, वो ट्रू स्ट्रेस हो गया. तो इससे हमें यहाँ क्या जानने को मिला कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेस. तो हमें एक नया टर्म मिलता है जिसको कहते हैं ट्रू स्ट्रेस, ठीक है. तो हमें जान के ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पॉइंट यूनिट एरिया एट दैट इंस्टेंट, ठीक है. हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है. तो अब हम यहाँ पर हम लोग ट्रू स्ट्रेस को सिग्मा टी से डिनोट कर रहे हैं और इंजीनियरिंग स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ से हमें क्या मिला कि ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है. अब इस एफ बाई ए को हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ए नॉट और ए नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं एफ बाई ए नॉट इंटू ए नॉट बाई ए. अब ये एफ बाई ए नॉट जो है क्या है, ये मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस है. यहाँ से देख सकते हैं एफ बाई ए नॉट जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए नॉट बाई ए, ये आ गया. अब हम जानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो मेरा वॉल्यूम जो है आफ्टर स्ट्रेन और बिफोर स्ट्रेन दोनों कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए नॉट इंटू एल नॉट, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल. हम एज्यूम करें कि दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू एल नॉट इनिशियल पहले और बाद में ए इंटू एल, ये कांस्टेंट है तो इक्वल होगा. तब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ए नॉट बाई ए इक्वल टू एल इंटू एल बाई एल नॉट. अब देखिए, तो हमें क्या टर्म मिला था, सिग्मा इंटू ए नॉट बाई ए. अब इस ए नॉट बाई ए को हम एल बाई एल नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू एल बाई एल नॉट, ये आ गया मेरा. अब ये एल क्या है, ये एल जो है ये आफ्टर, मतलब ये वाला एल है, ये एल है जो इंक्रीज हुआ. तो हम इस एल को क्या लिख सकते हैं, एल नॉट, ये एल नॉट और प्लस जो ये इंक्रीज हुआ डी एल, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, इस एल को एल नॉट प्लस डी एल, ठीक है. तो ये मेरा टर्म आ गया ये पूरा. अब तो इसको एल नॉट को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू वन प्लस चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है. अब ये ओरिजिनल लेंथ क्या, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, मैं स्ट्रेन होता है स्ट्रेन. तो क्या आ गया ऐसे रिलेशन कि ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लस इंटू वन प्लस स्ट्रेन, ये मेरा फाइनल रिलेशनशिप हुआ, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू वन प्लस स्ट्रेन, तो ये मेरा फाइनल रिलेशन हुआ. तो यहाँ क्या सीखे हम लोग, फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि मैं ट्रू स्ट्रेस क्या होता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है. तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में सिंपल स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ट्रू स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया एट दैट इंस्टेंट. और मेरी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो क्या आया, ये मेरा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस आया. अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ट्रू स्ट्रेन क्या होता है. तो यह वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद.